नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। फ्रेंड्स, नवंबर 2017 में ट्राई ने सभी ऑपरेटर्स से कहा था कि वो ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसके द्वारा जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं वो घर बैठे ही अपना आधार कार्ड रीवेरीफाई कर सके अपने मोबाइल नंबर के साथ में। तो उस समय सभी ऑपरेटर्स ने कहा था कि वो जल्दी ऐसा सिस्टम लाने वाले हैं और शायद वो 1 दिसंबर 2017 से ऐसा सिस्टम लाने वाले थे जिसके द्वारा आप अपना जो मोबाइल नंबर था उसको आप लिंक कर सकते थे अपने आधार नंबर के साथ में। लेकिन वो सिस्टम अभी तक सभी ऑपरेटर्स नहीं ला पाए थे, लेकिन अब जनवरी 2018 में ये सिस्टम आ चुका है कि अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के साथ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके बिल्कुल पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो लिंक करना है अपने आधार कार्ड नंबर के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक बिल्कुल पूरा इस वीडियो को देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जिस मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड के साथ में, उस मोबाइल नंबर से आपको एक नंबर डायल करना होगा 14546। जी हाँ दोस्तों, यही नंबर आपको उसी सिम से डायल करना है जिस सिम को आप लिंक करना चाहते हो अपने आधार कार्ड के साथ में। बाकी का प्रोसेस आपके सामने है, ठीक ऐसे ही आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। भारत सरकार के निर्देश अनुसार 6 फरवरी 2018 से पहले अपने आधार नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर को रीवेरीफाई करना यानी अपने मोबाइल नंबर का दोबारा सत्यापन करना अनिवार्य है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो 1 दबाएं। अगर आप एक विदेशी नागरिक हैं, तो 2 दबाएं। आपके आधार नंबर के साथ आपके वोडाफोन नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए 1 दबाएं। कृपया अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। तो दोस्तों, अब आपको जो आपका आधार कार्ड नंबर है 12 अंकों का जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और उसको एंटर करने के बाद में आपसे कहा जाएगा कि कंफर्म करने के लिए 1 दबाइए, तो आपको वहाँ पर 1 दबाना है। कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। अपने आधार नंबर को दोबारा दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। धन्यवाद। ओटीपी आपके आधार से रजिस्टर यानी के आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। मैं फिलहाल जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता हूँ वो है 2 और इस मोबाइल नंबर का सिम कार्ड इस वक्त मेरे कब्जे में है। आधार ओटीपी बताकर जाना जा सकता है। आपके आधार नंबर के साथ आपके वोडाफोन नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए 1 दबाएं। अपने आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 अंकों वाला ओटीपी दर्ज करें। तो दोस्तों, कॉल के दौरान ही आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा जिसमें होगा ओटीपी, तो वो ओटीपी फिलहाल यहां पर आपको एंटर करना है। नंबर के अलावा आपके अन्य वोडाफोन कनेक्शन की संख्या दर्ज करें। यदि आपके पास कोई अन्य वोडाफोन कनेक्शन नहीं है तो कृपया 0 यानी 0 दर्ज करें। कृपया अपने अन्य वोडाफोन कनेक्शन के मोबाइल नंबर 1 के बाद 1 दर्ज करें। आप कृपया पहला नंबर दर्ज करें। अपने आधार नंबर के साथ अपने मोबाइल नंबर के री वेरिफिकेशन के लिए किए गए आपके अनुरोध पर कार्यवाही फिलहाल जारी है और 48 घंटों के बाद री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। वोडाफोन केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, कॉल डिसकनेक्ट करने के बाद में तुरंत आपके पास एक SMS आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपके पास में 26 आवर्स के बाद में एक SMS आएगा और उस SMS को आपको रिप्लाई करना है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये रिक्वेस्ट जो है डाली थी नहीं डाली थी, तो आपको रिप्लाई करना है यस नो, उसके बाद में आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लग जाए कि कैसे उन्हें अपना आधार कार्ड लिंक करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ में, वो भी घर बैठकर ही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।